गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एएस मैथ्स अकेडमी में। मैं आपका दोस्त अरविंद सुमन। दोस्तों, आज आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशंस के हैं यानी सरलीकरण के आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल नॉर्मल ट्रिक है और बिल्कुल साधारण ट्रिक है, तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहला। दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक बात बता दूं कि यदि आपने बॉड मास का इक्वेशन सुना हो कि बॉड मास का एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफिकेशन को करते हैं। तो दोस्तों, बॉड मास का यदि फॉर्मूला आपने नहीं सुना है तो आप बॉड मास का फॉर्मूला आप मुझे बता सकते हैं। जिसको पता है तो वो कमेंट में लिख के बताना, और जिसको नहीं पता है वो मुझे कमेंट में लिखना, तो मैं उनको बॉड मास का फॉर्मूला बताऊंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इसको सेम बॉड मास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, क्वेश्चन 4 × 3/4 कोष्टक 4 × 3 डिवाइडेड, यानी भाग का साइन है, कोष्टक 3 × 3, फिर कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम बॉड मास बोलता है कि आप ब्रैकेट को तोड़ लें। तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे दोस्तों तो कैसे करेंगे, 4 × 3/4, 4 × 3/4, इसको तोड़ेंगे हम तो 3 × 3 = 9, ये आ गया, क्लियर। अब 4 × 3/4, अब देखना दोस्तों इसको कैसे करेंगे, 4 × 1 भाग का साइन है, जब भाग का साइन होता है तो हम इसको ऐसे कर देंगे 3/9, क्लियर। 3 × 3 और 3 × 3 = 9, तो दोस्तों मिलेगा हमारे लिए 3/4, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 4/3, क्लियर। 4/3 हो जाएगा। इसके बाद 4 × 1 का बनेगा आपका 3/4, जहाँ भाग होता है उधर, यदि हम गुणा में भाग होता है, यदि हम उधर पे डिवाइड कर दें तो हमें इधर पे बटे में आ जाती हैं संख्याएं। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ये 4/3 कोष्टक, क्लियर। अब इसके लिए क्या करना है, 4 × 3/4 × 4/3, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अंदर क्या बचा आपका सिंगल 1, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो बनेगा हमारा 4। तो आपका आंसर दोस्तों मिल जाएगा आपको 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है दोस्तों, और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं दोस्तों, और मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों देखिएगा, 48/12 कोष्ट, 9/8 का 4/3 का होता है, यानी का मतलब होता है दोस्तों गुणा, जहां का लगा है उसका मतलब है गुणा। तो 9/8 × 4/3 / 3/4 / 2/3, क्लियर। आप देखिएगा, जहां गुणा है तो हम वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 2, 2 × 4, 3 × 3 और 3 × 3, क्लियर। अब देखना दोस्तों, 4 × 8 / 12, यहाँ क्या बचा ऊपर 3 और नीचे क्या बचा 2, इधर पे भाग में सिर्फ 1/2 बचा, समझ गए। इसको यदि हम मल्टीप्लाई में यानी गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। तो 48/12 / 3/2 / 2/1, 2 से 2 कैंसिल। अब आपको अंदर क्या बचा, 48/12 अंदर बचा सिर्फ दोस्तों आपको 3, समझना। जब 3 बचा है तो आपको इससे डिवाइड करना, तो 12 × 12 और 12 × 4 = 48, तो अंदर बचा 4, सॉरी 12 बचा 4 और अंदर बचा था 3, तो टोटल मिल गया आपको 12। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों
12, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है दोस्तों, आप अच्छे से समझिएगा दोस्तों, पूरी कोशिश करके बता देता हूं मैं। इसमें कुछ भी नहीं, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे कि 1 + 2 / कोष्टक 1 + 2 भाग का साइन है, कोष्टक 1 + 1/3 कोष्टक और कोष्टक बराबर में क्या आपको बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करोगे 1 + 2 भागे कोष्टक 1 + 2 कोष्ट भाग का साइन, इसको सॉल्व कर दो, 3 बन जाए 3 और 3 और + 1 तो मिल जाएगा 4/3, ऐसे ही बनेगा। इसके बराबर आपको क्या फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो देखिएगा 1 + 2 / ये क्या बन जाएगा आपका 1 + 2, समझना। अब भाग का साइन है और मैंने बताया कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, तो ये संख्या ऊपर चली जाती है, 3/4 हो जाएगा, बराबर में क्या 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 + 2 / 1 + इधर बचा आपको कितना 3/2, 3/2 बचा, देखो 3 ऊपर बचा और 2 नीचे बचा। अब इसको भी सॉल्व करोगे 1 + 2 / 2 एकम 2 और 3 5, एलसीएम लेके मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये तो नॉर्मल सी बात आपको पता होगा। अब 5/2 हमें अंदर मिला, अब इसको मुझे फिर जो भाग का साइन है इसको गुणा में कन्वर्ट करना है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, समझ गए। तो अब क्या मिलेगा मुझे, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 1/4/5, ठीक। इसको इसमें तो 5 एकम 5 और 5 और 4 9/5, ये हमें दोस्त आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को आगे बिल्कुल फॉरवर्ड कर दे जाइएगा दोस्तों। और आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है, इसमें नोट्स की जरूरत है या किसी टॉपिक की जरूरत है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं दोस्तों। जब तक के लिए नमस्कार, आपका दोस्त अरविंद सुमन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।